इस न्यूज के प्रायोजक है सद्भाव नशा मुक्ति केंद्र महालक्ष्मी नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने इंदौर। संपर्क करें 8668737049 या 8208445814 पर। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पेरेंट्स का गुस्सा लगातार जारी है। स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर पेरेंट्स ने उज्जैन में कोठी चौराहे पर प्रदर्शन किया। उज्जैन के कोठी रोड पर सीएम शिवराज सिंह के आगमन को लेकर पेरेंट्स एकजुट हुए। पेरेंट्स में स्कूलों की मनमाने तरीके से की जा रही फीस वसूली को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। इस दौरान सभी पेरेंट्स इकट्ठा हुए और सीएम शिवराज से गुहार लगाने पहुंचे, जहां पेरेंट्स को पुलिस ने सीएम से मिलने नहीं दिया और समझाइश देकर वहाँ से रवाना कर दिया। स्कूलों के 28,000 अभिभावक यहाँ पे अपनी मांग के लिए आए थे। हमने 4 दिन पूर्व विधिवत रूप से कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें समय दिलवाया जाए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ पे हम 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि इतनी आर्थिक महामारी चल रही है जिसमें कि हमारे ऊपर सारे स्कूलों का इतना खतरनाक, इतना अभद्र व्यवहार के साथ दबाव चल रहा है कि वो ट्यूशन फीस भरें। पेरेंट्स ने नो स्कूल नो फीस का नारा बुलंद करते हुए अपनी आवाज उठाई। अब देखना होगा कि इन पेरेंट्स को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।